देखिए, हम जब से 2017 में विधायक बने, चुनाव लड़ते समय भी क्षेत्र की जनता ने बाढ़ संबंधी समस्याओं से अवगत कराया था और विधायक बनने के बाद से लगातार स्वयं क्षेत्र का दौरा करके जो जो ऐसी जगहें थीं जहां बाढ़ के समय में समस्या होती थी, उन सब को प्राथमिकता में लेकर के हमने प्रयास शुरू किया और केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की सहायता से आज स्थिति यह है कि इन 4 सालों में विधानसभा क्षेत्र इटवा की बाढ़ संबंधी उन सभी समस्याओं का या तो समाधान हो गया या हो रहा है जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया था। कुछ प्रमुख परियोजनाओं की मैं चर्चा करूं। अभी 2 परियोजनाएं अभी स्वीकृत हुई हैं। शाहपुर भोजपुर बांध जो 1994 में बांध बना था, उसमें 16 स्थानों पर गैप थे जिसके कारण उस बांध की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती थी। अभी अभी 74 करोड़ की परियोजना प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है, वो सारे 16 जगहों के गैप भरे जाएंगे, वो समस्या समाप्त होगी। वहीं उसी क्षेत्र में राप्ती नदी पर असनहरा उतरौला मार्ग पर पुल है, उस पुल का अप्रोच भी पूरा नहीं बना था, जो बना था वो भी बार बार कट जाता था और दोनों तरफ गांवों की कटान होती थी। उस पूरे पुल की सुरक्षा और गांवों के कटान की सुरक्षा के लिए 40 करोड़ 55 लाख की परियोजना अभी अभी राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। इसके पहले राप्ती नदी के किनारे ही बेतनार गांव को नदी के कटान से बचाने के लिए 8 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम लगभग पूरा हो चुका है। सिंगार जोत घाट पर लगभग 4 करोड़ की परियोजना से बांध की बोल्डर पिचिंग का काम पूरा हो चुका है। बड़हरा में बांध की बोल्डर पिचिंग हो चुकी है। मिर्जा गौरापुर गौरा बांध का को मजबूत बनाया जा चुका है और लूप कटिंग के माध्यम से नदी की धारा बदली जा चुकी है। इसी तरह से नबेल में 6 करोड़ 41 लाख की परियोजना से लॉन्चिंग एप्रन और पक्का ठोकर बना है, जिससे नबेल गांव के पास कटान की समस्या खत्म हुई है। उसी मदरावा सगुआ बांध पर जिस पर नबेल स्थित है, सोनौली नानकार में अभी 8 करोड़ से अधिक की लागत का लॉन्चिंग एप्रन हुआ है और लूप कटिंग हुई है, जो नदी गांव की तरफ आ रही थी बांध को काटते हुए, उस नदी की धारा भी बदली गई है और बांध की भी बोल्डर पिचिंग की गई है। तो इस तरह से लगभग 150 करोड़ की लागत से इन 4 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार ने मिलकर के काम किया है। मैं इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से इन दोनों सरकारों को हृदय से आभार हूं।